यूएसएस एंटरप्राइज दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था, यानी कि ये 3 साल तक लगातार बिना रिफिलिंग के वर्ल्ड में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता था। उस टाइम पर इतने ही समय तक न्यूक्लियर जनरेटर्स चल सकते थे क्योंकि उस टाइम की टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप नहीं थी, जबकि आजकल के एयरक्राफ्ट कैरियर 20 से 25 साल तक भी चल सकते हैं। इसे उस टाइम के $450 मिलियन यानी कि आज की रेट में देखा जाए तो ऑलमोस्ट $4.5 बिलियन में खरीदा गया था, यानी कि रुपीज में 35,000 करोड़ रुपए के बराबर। 1960s में यूएसए के सभी ओपोनेंट्स के पास में डीजल से चलने वाले कैरियर्स भी नहीं थे। उस टाइम पर न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होने की वजह से यूएसए की समुद्र में रीच कई गुना बढ़ गई। इसी नाम से यूएसए के पास में वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे रिटायर कर दिया गया था और उसका नाम इसे दे दिया गया था, और अब इसी नाम से एक और नया एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है।